दोस्तों आपके पास भी अगर एक पुराना लैपटॉप है और बहुत स्लो चल रहा है तो आप उसको फास्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने क्या किया, एक SSD परचेस करी है। ये देखिए मेरे पास एक SSD है 120 GB की। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अभी आपके नॉर्मली जो आपके लैपटॉप जो है आपके पास पुराना वाला, उसमें जो OS है वो पूरा माइग्रेट कर लेंगे हार्ड ड्राइव से इस SSD में। तो फिर जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा OS जो है सिर्फ OS करना है हमको। नॉर्मली जो हार्ड ड्राइव होती है हमारी वो 500 GB की या 1 TB होगी। ये जो हार्ड ड्राइव है ये 500 GB की हार्ड ड्राइव है, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो एक पार्टीशन है सी पार्टीशन वो सिर्फ माइग्रेट कर लूंगा इस SSD में। तो मेरी हार्ड ड्राइव में सिर्फ जो पार्टीशन है सी वो भी जो है स्पेस फ्री हो जाएगी और इस SSD में भी OS आ जाएगा। तो उस OS से क्या होगा, ये जो फास्ट हो जाएगा काफी, जो इसका परफॉर्मेंस है वो डबल हो जाएगा। यानी कि जो जितना ये परफॉर्मेंस देती थी ये हार्ड ड्राइव, उससे डबल, उससे 10 गुना परफॉर्मेंस ये देती है। मतलब जो SSD, अगर आपको नहीं पता है कि SSD क्या होती है तो उसका वीडियो मैंने एक अलग से बना रखा है। बट जो SSD में जो परफॉर्मेंस होती है, जो स्पीड होती है, कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है या कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो इस टाइप के एप्लीकेशन में अगर क्रोम में यूज़ करना है, क्रोम रन करना है, तो वहाँ पे जो रैम के साथ साथ जो हार्ड ड्राइव होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये SSD है, इसमें अगर मैं OS इंस्टॉल कर लूँगा तो आपकी जो जैसे कि जब चालू होता है सिस्टम तो चालू होने का टाइम, बूट टाइम जिसको नॉर्मली बोलते हैं, एकदम कम हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। कुल मिला के हम बात करें तो परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो ही जाएगी। और अगर आपको नहीं पता है कि मेरे पास कौन सा लैपटॉप है, ये एसर वाला लैपटॉप है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एसर का लैपटॉप है मेरे पास। ये कम से कम आई थिंक 2012 में मैंने ये लिया था, 12 या 13 में, तब का ये लैपटॉप, यानी कि 7 साल पुराना लैपटॉप है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको, जो हार्ड ड्राइव है नॉर्मली वो मैं वापस इसमें लगा दूंगा और उसको जो है उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, और कैसे आपको माइग्रेट कर सकते हैं सिर्फ OS को वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अपग्रेड करने से पहले आपको बता दूंगा आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये जो कैंडी, इसको हम बोलते हैं HHD कैंडी, यानी कि सेकंड HHD कैंडी इसको बोलते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, ये जो एक डिवाइस है ये क्या करेगा, अगर ये तब काम में आएगा जब आपकी लैपटॉप जो है उसमें DVD राइटर है, तो DVD राइटर की जगह हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, या तो आप SSD लगा सकते हैं या फिर हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे SSD तो नॉर्मली हमारा मेन जो पॉइंट होता है, मेन जो मदरबोर्ड में पॉइंट होता है उसमें लग जाएगी SSD, और जो हमारी हार्ड ड्राइव निकलेगी, जैसे कि ये हार्ड ड्राइव निकल जाएगी तो इसको भी तो कहीं ना कहीं यूज करना है हमको लैपटॉप में, तो ये हार्ड ड्राइव को क्या करूंगा, इसमें लगा दूंगा। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या। तो ये दो चीजें चाहिए और एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो ये स्क्रू ड्राइवर अगर आपके पास नहीं है तो ये जो आप लेंगे कैंडी जिसको बोलते हैं सेकेंड SSD कैंडी, इसके साथ आपको ये स्क्रू ड्राइवर मिलेगा। तो अगर ये नहीं मिलता है या फिर आप ये नहीं लेना चाहते तो स्क्रू ड्राइवर नॉर्मली कहीं पे मिल जाएगा 20-30 रुपए का, तो वो आपको चाहिए। और SSD चाहिए, SSD तो मस्ट है क्योंकि SSD में ही हमको माइग्रेट करना है। तो मैंने 120 GB के लिए, क्योंकि मेरी नीड इतनी में फुलफिल हो रही है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कम से कम 256 GB की SSD ले, 250 GB की नॉर्मली जो आती है, क्योंकि मुझे जो ये मेरा पुराना लैपटॉप है इसमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं है सी ड्राइव में ज़्यादा स्पेस की, बट आपको पड़ेगी क्योंकि आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे या फिर ऐसा कुछ गेम वगैरह इंस्टॉल करेंगे, ज़्यादा स्पेस वहाँ पर लगेगी। इसलिए आप मिनिमम 256 GB की SSD जरूर से परचेस करिए। अगर आपको बेस्ट SSD परचेस करनी है वो भी बेस्ट प्राइस में, तो उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अगर आपको ये भी कैंडी भी परचेस करना है तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है लैपटॉप जिसमें अभी पुरानी हार्ड ड्राइव लगी है, नॉर्मल जो हार्ड ड्राइव SSD नहीं लगी है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। तो सॉफ्टवेयर का जो लिंक है, जो भी सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूँगा उसको मैं आपको इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है सॉफ्टवेयर में पेन ड्राइव में था मेरे, तो मैंने इसको ले लिया है डेस्कटॉप पे। इस पर राइट क्लिक करना है सॉफ्टवेयर पे, और इसको मैं AOEM असिस्टेंट करके एक सॉफ्टवेयर है ये, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। बस नेक्स्ट करते जाना है, आपको ये इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टैंडर्ड में हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं स्किप और इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो है AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट, तो यही आपको यूज़ करना है। और इसके अलावा भी कोई सॉफ्टवेयर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वो उससे इससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर अगर मुझे मिलता है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ सॉफ्टवेयर को। तो देखिए ये सारी हमारी हार्ड ड्राइव यहाँ पर ऑन हो चुकी है, मतलब सारी मिल गई है हमको। अब आपको करना क्या है, सिर्फ माइग्रेट OS करना है। देखिए यहाँ पर
एक ऑप्शन आ रहा है माइग्रेट ओएस, तो ये सारी हार्ड ड्राइव है। अब मैं अभी अभी एसएसडी नहीं लगाई है मैंने इसमें, तो अभी मैं एसएसडी लगा लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपको बता रहा था इसलिए मैं एसएसडी नहीं लगाई है मैंने, तो मैं अभी इसमें एसएसडी लगा लेता हूँ। और एसएसडी कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि नॉर्मली आपको ये हार्ड ड्राइव भी चलेगी हमारी, जो ये हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हार्ड ड्राइव भी चलेगी आपकी, जो अभी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 500 GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है और वो एसएसडी वो भी चलेगी। तो दोनों चलेगी, वो कैसे करना है, ये जो सेकंड एचडीडी कैंडी मंगाई है इसके थ्रू हम हार्ड ड्राइव भी चलाएंगे और जो एसएसडी है वो भी चलाएंगे, दोनों हम रन करेंगे एक ही लैपटॉप में, तो वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जो है वो शट डाउन कर देता हूँ। अब देखिए, ये जो एचडीडी कैंडी जो हमको मिली, कैंडी नाम है इसका, पता नहीं क्यों कैंडी रखा है इसका नाम, एचडीडी सेकंड एचडीडी कैंडी। इसमें हमारी जो ये एसएसडी है वो इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, तो ये देखिए ये एसएसडी है, ये नॉर्मली ऐसे इंस्टॉल नहीं करना है, मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा, बट अभी इसको एज इट इज यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो स्क्रू आएंगे वो कहीं पे भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी फ़िलहाल, तो बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी जब आप नॉर्मली जो हार्ड ड्राइव होती है लैपटॉप की वहाँ पर अगर लगाएंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, बट हमें अभी इसमें लगाना है कैंडी में, तो ये डायरेक्टली आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से, और हल्का सा पुश करिएगा और फिर आगे प्रेस करिएगा, तो ये हमारी जो एसएसडी है वो पूरी लग चुकी है ये कैंडी में। अब इस कैंडी को क्या करना है, ये जो जहाँ आपका डीवीडी राइटर होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला, यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो नॉर्मली ये इंसर्ट इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से उल्टी होगी ये इंसर्ट, तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको प्रेस करूँगा इसको, और देन यहाँ पर मैं इसको हल्के से ऊपर उठा के एंड देन फिर प्रेस करूँगा ताकि ये अंदर चली जाए ठीक से और फिक्स हो जाए, आपको कट की आवाज़ आएगी वहाँ पर जब ये लगेगी तब, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी नहीं तो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं लैपटॉप जो है वो चालू हो गया है, मैंने यहाँ पर क्या किया है जो एसएसडी है वो भी इंस्टॉल कर दी है इसी लैपटॉप में इस कैंडी के थ्रू, और जो हार्ड ड्राइव थी हमारी जो नॉर्मल लैपटॉप की वो भी इसी लैपटॉप में लगी हुई है। अब देखिए, अब क्या चेक करने के लिए कि लगी है कि नहीं लगी, क्योंकि नॉर्मली आप अगर माई कंप्यूटर में जाएंगे दिस पीसी में तो वहाँ पर वो एसएसडी जो आपने लगाई है वो नहीं दिखेगी, नॉर्मल हार्ड ड्राइव ही दिखेगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये मैं दिस पीसी में हूँ, तो देखिए अभी भी मेरे को मेरी जो एसएसडी वो नहीं दिख रही, जो लोकल डिस्क सी पी और आर ये तीनों हैं, जो 500 GB की हार्ड ड्राइव है वही दिख रही है, यहाँ पर एसएसडी नहीं दिख रही है, बट एसएसडी मैं लगा चुका हूँ, तो वो देखने के लिए कि वो कहाँ पर लगी है नहीं लगी है, वर्क कर रही है नहीं कर रही है, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क लिखेंगे DISK, डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन ऐसा लिखा है अगर विंडोज़ 10 में है तो, और विंडोज़ 7 में है तो डिस्क पार्टीशन लिखा आता है, तो ये दोनों के लिए है, मैं विंडोज़ 10 में बता रहा हूँ, आप विंडोज़ 7 के साथ भी ये कर सकते हैं और 10 के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं उसमें गया और यहाँ पर जब वो ओपन होगा तो देखिए, जैसे ये ओपन हुआ तो यहाँ पर देखिए अनअलोकेटेड, क्योंकि हमारी एसएसडी जो है वो अभी अलोकेट नहीं हुई है, उसमें कोई भी ड्राइव लेटर हमने नहीं दिया है तो वो अनअलोकेटेड है। तो देखिए यहाँ पर वो अनअलोकेटेड बता रहा है अभी भी 111 GB, तो 120 GB में से हमें 111 GB मिली, और जो डिस्क वन है ये हमारी जो है नॉर्मल हार्ड ड्राइव है वो है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया था इसको मिनिमाइज़ करते हैं, AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट, उसमें जाऊँगा और यहाँ पर हमारी अनअलोकेटेड ही रखना है उसको, उसको कुछ भी नहीं करना है अभी, अलोकेट नहीं करना है, सी ड्राइव का नाम नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं करना, इस सॉफ्टवेयर से ही हो जाएगा सब कुछ जो भी होगा वो। तो देखिए ये यहाँ पर फ्री स्पेस बताने लग गया, पहले नहीं बता रहा था जब हमने इसको चालू किया था, अब डिस्क वन और डिस्क टू बताने लग गया है, तो डिस्क वन जो है हमारी एसएसडी और डिस्क टू जो है हमारी हार्ड ड्राइव है। तो अब क्या करना है, माइग्रेट ओएस पे क्लिक करना है, जैसे माइग्रेट ओएस पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव में ये जो है हो गया है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कि ये डिस्क चूज़ कर लीजिए, तो डिस्क हमारी एक ही है जो कि है अनलोकेटेड है ये वाली, तो इसको मैं डिस्क वन पे मैंने क्लिक कर दिया, ये डिस्क वन पे ही हमें करना है और ये अनलोकेटेड है, तो इसमें मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा कि कितना हमको चाहिए, तो मेरे को तो पूरा ही चाहिए, कुछ मुझे कम ज़्यादा नहीं करना है, तो मैंने पूरा कर दिया, देखिए पूरा पूरा पार्टीशन मुझे सी का ही चाहिए। देखिए यहाँ से हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है आपको कि आपको पार्टीशन कितना बनाना है, सी का कितना पार्टीशन बनाना है, तो मिनिमम आपको जितनी आपकी सी में अभी स्पेस है करेंटली उतना तो बनेगा ही, उससे ज़्यादा आपको बनाना है या कम करना है, तो मुझे तो पूरी जो ड्राइव है मेरी पूरी सी ही बनानी है उसको, तो मैं क्या करूँगा पूरा इसको पीछे पकड़ के और ऐसे पीछे पूरा ले ही जाऊँगा, तो यानी पूरा ये बन जाएगा, ठीक है। और ड्राइव लेटर डी मिल जाएगा इसको अभी फ़िलहाल के लिए, तो ठीक है, पार्टीशन साइज़ यही रहेगी, मुझे यही करना है। और जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा
तो देखिए ये बोल रहा है कि आफ्टर डन और माइग्रेशन ऑल डेस्टिनेशन डिस्क विल बी बूट अप परफेक्टली हाउ एवर यूजर्स। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, सब कुछ आप चेक कर लीजिए कि सब चल रहा है नहीं चल रहा है, सब कुछ कंप्यूटर वगैरह है कि नहीं, सब करना है कि नहीं। अब देखिए प्लीज़ क्लिक फिनिश टू रिटर्न देम टू मेन विंडो, देन क्लिक अप्लाई एंड टूल बार फॉर द ऑपरेशन टू टेक अफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे और देखिए अभी हमारी जो ड्राइव लेटर था वो यहाँ पर देखिए डिस्क वन में डी बन गया है। अभी क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये अप्लाई का, देखिए साइड में कॉर्नर में, तो उस अप्लाई पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रोसेस है वो जो है चालू हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, माइग्रेट ओएस टू एसएसडी, रिबूट रिकॉर्ड, रिबूट तो रिकॉर्ड हो गई ऑब्वियस सी बात है। अब ये सी ड्राइव जो है वो डी बन जाएगा और इतनी जीबी का है, इतनी जीबी में हो जाएगा और यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर टाइम भी बता रहा है, देखिए 14 मिनट कम से कम लगेंगे, 14 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं ऐसा बोल रहा है। तो प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे, देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं फर्स्ट वाला ही चूज़ करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर रीस्टार्ट होगा, पहले प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद रीस्टार्ट होगा। तो देखिए ये इतना प्रोसेस में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो ये जब प्रोसेस होता है फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है रीस्टार्ट होके इसका जो ओएस है खुद का AOMEI का जो ओएस है उसी में बूट हो गया है और अब जो प्रोसेस होगी वो फाइनल प्रोसेस यहाँ पर होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेटा जो माइग्रेट हो रहा है, यानी कि कॉपी हो रहा है डेटा पूरा ओएस का, जो हमारा मेन ओएस था वो पूरा एसएसडी में कॉपी हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से आपको भी यहाँ पर जो है वो प्रोसेस पूरी शो होगी अगर आप करेंगे तो। और यहाँ पर आप जितनी ये जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी आपकी एसएसडी की स्पीड के ऊपर, क्योंकि टोटली हमारी एसएसडी के ऊपर ही ये डिपेंड करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी जल्दी हो रहा है यहाँ पर, एसएसडी की अच्छी खासी स्पीड है। तो जो एसएसडी मैंने परचेस करी है अगर आपको वो परचेस करना है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप ये वाली एसएसडी भी परचेस कर सकते हैं। सेम इसका दूसरा वेरियंट भी है 250 GB का, वो भी मैं वहाँ पर दे रहा हूँ, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। तो देखिए आप मूविंग डेटा, यानी कि जो डेटा है हमारा जो सी ड्राइव में डेटा था वो मूव हो रहा है। जैसे ये मूव होता है आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली पूरी प्रोसेस जो है वो फिनिश हो गई है और लिखा आ रहा है कि सब कुछ फिनिश हो गया है। और 30 सेकेंड के अंदर अगर खुद अपन ने रीस्टार्ट नहीं किया इस लैपटॉप को तो ऑटोमेटिकली 30 सेकंड के अंदर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, 30 सेकंड का वेट क्यों करें। तो जैसे मैं रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा तो अब जो ये सिस्टम बूट होगा वो जो है हमारी एसएसडी से ही बूट होगा। तो जब आप स्पीड देखिएगा आप कितनी जल्दी ये बूट होगा, तो काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी और अब एसएसडी से ही ये बूट होगा। देखिए ये जो है मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ, तो देखिए ये ओपन हो गया है हमारा सिस्टम और अब देखिए पूरा परफेक्टली वर्क चल रहा है, कोई इसमें अभी लेग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ इसको दिस पीसी को, तो अब देखेंगे अब आप हमारे पास एक और ड्राइव जो है वो आ गई है सिस्टम नाम से, सिस्टम सी नाम से, और ये बन गई है डी, जो कि सी थी वो डी बन गई है और ये पी और ये आर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा सिस्टम बूट हुआ है वो एसएसडी से ही हुआ रहा हुई है, जो हमारी ड्राइव है ये एसएसडी ही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एसएसडी है हमारे पास, ये पूरा जो हमारा सिस्टम जो है वो एसएसडी से बूट हुआ है। तो अब जो है ये पूरा माइग्रेट हो गया है ओएस हमारी पूरी एसएसडी में। अब ये जो पार्ट है ये डी, ये आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है इसलिए। तो अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मली क्रिएट एंड फॉर्मेट डिस्क पे जाऊँगा और ये जो लोकल डिस्क डी है इसमें हमारा ओएस, ऑब्वियस सी बात है इसमें ओएस अब हमें ज़रूरत नहीं है इस ओएस की। तो ये जो डी है यहाँ पर जाके और ये जो डी पार्टीशन है इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको फॉर्मेट कर दूँगा, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, अभी हमको इसको फॉर्मेट ही करना है। तो ये देखिए डायरेक्टली मैं डी ड्राइव को फॉर्मेट कर देता हूँ और न्यू वॉल्यूम जो भी नाम देना है आपको वो दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको पूरा फॉर्मेट कर दूँगा, हमारी ऑलरेडी जो है यहाँ पर सी ड्राइव जो है वो पूरी माइग्रेट हो चुकी है हमारी एसएसडी में इसलिए। तो देखिए आप पूरा जो है प्रोसेस पूरा सेम है, सॉफ्टवेयर पूरा कम्प्लीटली फ्री है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखिए पूरी जो डी ड्राइव है वो पूरी फॉर्मेट हो चुकी है, पूरी खाली हो चुकी है, मैं इसको यूज़ करूँगा किसी दूसरे मेरे डेटा को रखने के लिए। और अभी जो ओएस चल रहा है वो पूरा एसएसडी से चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड इसकी। और इसकी परफॉर्मेंस में या फिर कोई भी कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या पिन में बताऊंगा, पिन कमेंट में बताऊंगा। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जरूर से रिप्लाई करूंगा। जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पर यूज़ करी है इस वीडियो को बनाते टाइम, सभी का जो है बेस्ट बाय लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उनको बाय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।